ईश्वर जी के व्यक्तित्व की गुणात्मकता बहुआयामी है, उनमें बहुत सारे गुण हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, बच्चों के लिए एक सुखद अनुभव है और हम सभी के लिए भी एक अच्छा अनुभूति का विषय है। उनकी सबसे अधिक काबिलियत खाना बनाने में, खाना बनवाने में, शादी विवाह के अरेंजमेंट में एवं व्यंजनों के पकवानों के बनाए जाने में महारत हासिल है, वह बेजोड़ है, काबिल तारीफ़ है, तो दूसरे लोग उसका अनुकरण करते हैं और हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। मुझे खूब ध्यान है कि 21 अप्रैल 1986 को जब मेरी शादी हुई थी, तब सबसे बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट जो हो सकता था वो उन्होंने करने का पूरा प्रयास किया एवं आगरा एवं मथुरा वृंदावन में जो सबसे अधिक अच्छी मिठाइयाँ बन सकती थी ब्रजवासी की, जो समस्त मिठाइयाँ वहाँ से पैक हो करके मारुति वैन में ठंडे कंटेनरों में पैक होकर आई, क्योंकि वो गर्मियों के दिन थे, लू चलती थी, इसलिए प्रत्येक बराती द्वारा बसेड़ी में आज तक इस बात की तारीफ की जाती है कि मुरारी के जैसी शादी अरेंजमेंट कहीं नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को लस्सी एवं जूस परमानेंटली मतलब धर्मशाला में मिला, आयोजन स्थल पर मिला, रास्ते में मिला, वह आज तक उसको भूले नहीं है। यह काबिल तारीफ गुण आपका हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है तथा सभी के लिए अनुकरणीय है। आप अपनी इस प्रेरणा को, इस अनुकरणीय गुण को बनाए रखें एवं सबके साथ साझेदार रहने की, समस्याओं के निदान में भागीदारी करने की आपकी जो पहल है वह काबिल तारीफ है तथा परिवार को, इकाई को बनाए रखने में जो आपकी महती भूमिका है वह श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। हम सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप सभी स्वस्थ हों, अच्छे हों, खुश रहें तथा नए मकान में नए सुभागवन पर आप बहुत अच्छे जीवन की शुरुआत पारी करें, जिससे कि मतलब आगे का जीवन आपका सुखदायक हो, अच्छा हो, फलदायी हो और आप अपने स्वयं के लिए जीवन जीने का अच्छा मौका प्राप्त करें, नियमित भोग करें। धन्यवाद।